बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स। टुडे आवर एक्सरसाइज इज 8.6। अवैल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1। इसमें आपको मैं आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगी, ठीक है। इसमें क्या है, जिनके ऊपर टिक लगे हुए हैं ना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो आप लोगों के होमवर्क में है, ठीक है। इसमें मैं आपको 4 वाला, 7 वाला, इसके बाद 10 वाला, 12 वाला एंड 15 वाला, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व करने हैं। बाकी इसके जितने भी फर्दर पार्ट्स हैं ना, वो आप लोगों ने खुद से इनको नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 8.6, क्वेश्चन नंबर 4। ए हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2, यानी ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। अब एक क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी। जहाँ ए आएगा वहाँ पे आपने ए की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ बी आएगा वहाँ पे बी की, जहाँ सी आएगा वहाँ पे सी की। अब यहाँ पे ए हमारे पास कितना था, 2, ए की जगह मैंने 2 लिख दिया, बी 1 था, सी भी 1 था, इन तीनों को प्लस किया तो आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी प्लस बी सी। अब ए बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था कि जब दो वेरिएबल्स इकट्ठे हों, जो मतलब लिखे हों, उनके दरमियान कोई साइन ना हो, तो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 और 1 को प्लस किया तो 3 आया। नेक्स्ट 10 वाला क्वेश्चन है ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी। ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, माइनस वैसे ही आ गया, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू, प्लस वैसे ही आ गया, ए की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे वेरिएबल आपस में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 को 1 से किया 2 आया, 2 में से 1 माइनस करो 1 आया, प्लस का साइन आया, 2 और 1 का प्लस करेंगे तो 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर स्केयर आ गया है, जिसके ऊपर स्केयर आ जाए ना, उसका मतलब है वो वैल्यू उतनी दफ़ा लिखी जाएगी, ठीक है, 2 टाइम। अगर ए की पावर 3 होता तो हम इसको 3 टाइम्स लिखते, ए की पावर 4 होती तो हम इसको 4 टाइम्स लिखते। यहाँ पे ए की पावर 2 है, मैंने क्या किया, ए की वैल्यू जो थी हमारे पास 2 थी, मैंने 2 पुट करके स्केयर वैसे ही लगा दिया, प्लस भी वैसे आ गया, बी की जगह 1 पुट किया, बी की वैल्यू 1 थी, स्केयर वैसे ही आ गया, प्लस और सी की वैल्यू भी 1 थी, वो भी हमने पुट की तो 1 स्केयर आ गया। अब मैं आपको बता रहा था जिसके ऊपर पावर होती है उसका क्या मतलब है, वो वैल्यू उतनी दफ़ा होती है। 2 के ऊपर पावर है इसका मतलब है 2 दो दफ़ा है, 1 के ऊपर पावर है 2 इसका मतलब है 1 दो दफ़ा है, 1 की पावर इस तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास ए बी ओवर बी सी प्लस ए सी ओवर बी सी। एज इट इज हमने इनकी वैल्यूज अप्लाई कर दी, जहां जहां जो जो वैल्यू थी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर में 1 आ जाए ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। ये आपके पास क्या है, न्यूमिनेटर, ये आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, 2 और 2 को प्लस किया 4, 1 एज इट इज आ गया, तो 1 मैंने आपको बताया ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो 4 आपके पास आंसर आएगा। अब इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना, वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। बाकी जो 2 से 8 तक क्वेश्चंस हैं ना, वो मैं इंशाल्लाह कल आपको करवाऊंगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज़।